चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने यूपी में कई गठबंधनों के बीच दरार की खाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दावा है कि राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। माना यह जा रहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि 7 सीट आरएलडी ले, लेकिन उसमें से 4 सीट पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। इसे लेकर जयंत पर जाटों और कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का भारी दबाव है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में आने पर 2 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बागपत और मथुरा की सीट आरएलडी को दी जा सकती है। एक राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को दी जा सकती है। साल 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका खाता नहीं खुला। उस चुनाव में सपा और रालोद का अलायंस था। साल 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा और रालोद साथ थे। इस चुनाव में आरएलडी 33 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। पश्चिमी यूपी के सियासी गणित की बात करें तो यहां 27 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी 19, एसपी 4 और बीएसपी 4 सीटों पर जीती थी। सूत्रों का दावा है कि जयंत चौधरी गठबंधन के लिए बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। दावा है कि बीजेपी और रालोद की 3 से 4 सीटों पर बात चल रही है। जब भी आरएलडी बीजेपी की बातचीत औपचारिक होगी, आरएलडी इंडिया गठबंधन छोड़ सकती है। खबरों की माने तो जयंत चौधरी पहले ही बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बताया ही जा रहा है कि पार्टी कैडर इस आरोप से नाराज है कि सपा कैराना और मुजफ्फरनगर से आरएलडी के सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। नीतीश के बाहर जाने और ममता बनर्जी की गठबंधन से दूरी ने भी शायद जयंत को फिर से बीजेपी के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ आरएलडी सूत्रों का कहना है कि उन्हें भी सपा के साथ गठबंधन में अच्छे प्रदर्शन की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब देखना यह है कि क्या आरएलडी और सपा साथ होंगे या एनडीए का दामन आरएलडी थामती हुई नजर आएगी।